हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी क्लियर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आपने देख लिया होगा, मैं शेयर करने जा रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है ग्रीन कलर के विटामिन ई के कैप्सूल, ये है इवियन के कैप्सूल और ये 400 mg में मिल जाते हैं कैप्सूल। आपको ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। और ये मुझे 24 रूपीज के प्राइस में मिला था और 24 रूपीज के प्राइस में आपको पूरे 10 कैप्सूल मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं, एक दूसरे येलो कलर में भी आते हैं कैप्सूल। तो सबसे पहले इसके नुकसान जान लेते हैं कि क्या क्या है। कुछ यूट्यूबर्स इसे खाने की सलाह देते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी गाइस। आप इसे बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को आपको लगता है कि क्या 400 mg की विटामिन ई की जरूरत होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ 15 mg की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, और जो कि हमें खाने की चीजों से मिल जाती है। तो इसलिए आप इसे डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल मत खाइएगा, बहुत ही नुकसान करते हैं। क्योंकि इसका ऑयल जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है, तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी होती है, और जो कि डेली में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपको इसे खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, और अगर आप खाते भी हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल मत खाइएगा। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं इन कैप्सूल्स को खाने की, तो आप बेशक खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके फायदे बता देती हूँ कि इसके फायदे क्या क्या है। ये हमारे स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप अपनी स्किन पर और हेयर्स पर यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैं भी इसे 2 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं गाइस। और मैंने खुद पर ट्राई किया है, 2 सालों से यूज कर रही हूँ, तभी मैं आज आपके साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर रही हूँ, और ये सारे फायदे तभी मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डार्क सर्कल की। अगर आप इसे अपने डार्क सर्कल पर लगाते हैं तो ये आपके डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करने में हेल्प करता है। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेना है और इसे एक सुई की नोक से आप इसमें होल्ड कर लीजिए, और जो इसका ऑयल है वो बाहर आ जाएगा। और इसे आप अपनी फिंगर टिप पर लेकर इस तरीके से आईज पर मसाज कर लीजिए। आप चाहें तो, अगर आपकी आईब्रोज की ग्रोथ नहीं होती है या नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इसे अपनी आईब्रोज पर भी अप्लाई कर सकते हो, और हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है बस फिंगर टिप की हेल्प से। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके डार्क सर्कल है, फाइन लाइन्स है, वो रिमूव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक महीने में गायब हो जाएंगे, लेकिन हाँ, कोई भी चीज हो आप उसे रेगुलर अगर यूज करते हैं तो उसके फायदे जरूर मिलते हैं। तो इस तरह से ये कैप्सूल हमारे डार्क सर्कल के लिए, फाइन लाइन्स, रिंकल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा जो फायदा है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपकी फटी एड़ियां हैं, बहुत ज्यादा फटी एड़ियां हैं, खून निकलता है आपकी एड़ियों से, तब भी आप इन विटामिन ई कैप्सूल को यूज कर सकते हो। आपने करना क्या है, वैसलीन ले लीजिए। वैसलीन को थोड़ा सा अपने पाम पर ले लीजिए, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो वैसलीन की। उसके बाद आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल मिक्स कर लीजिए अच्छे से वैसलीन में, और उसके बाद इसे आप अपनी एड़ियों पर लगाइए, फटी कोनियों पर लगाइए, एड़ियों पर लगाइए। इससे आपकी कोनियां भी साफ हो जाएंगी और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है आपकी एड़ियों को भी, प्लस आपके एल्बोज को भी। तो यहां पर भी आप इसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसका तीसरा जो बेनिफिट है गाइज, मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि ये साथ ही साथ नुकसान भी करता है और फायदा भी। कैसे है फायदा और कैसे है नुकसान इस रेमेडी का, कैसे आपने इसे तैयार करना है वो मैं बता देती हूँ। मेरा जब चैनल स्टार्ट नहीं किया था मैंने, तब मैंने 3-4 साल पहले इसकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो उसमें काफी सारे यूट्यूबर्स ने बताया था कि आप इसमें एलोवेरा जेल को मिक्स कर और विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स कर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा गाइज, ये रेमेडी बहुत ही बकवास है। और बकवास ये इसलिए है, मैं बता देती हूँ, कि पूरे फेस पर अप्लाई करने के लिए नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस, क्योंकि मैंने इसे खुद भी ट्राई किया था 3 से 4 दिन तक, तो 3-4 दिन में मेरी स्किन इतनी ज्यादा डार्क हो गई थी, और मतलब जैसे पिगमेंटेशन हो गई हो पूरे फेस पर, ऐसी इसने रिजल्ट दिए थे। तो इस रेमेडी को आप भूल कर भी अपने पूरे फेस पर अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपके फेशियल हेयर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो फेस की नेचुरल ग्लो है वो भी चली जाती है। तो मैंने खुद आजमाया है इस चीज को, तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, आप एलोवेरा जेल को और विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स कर अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसे अपने डार्क सर्कल पर लगा सकते हो, अपने बालों में लगा सकते हो। बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने बालों में इसे ट्राई किया ना, 3 से 4 महीने रेगुलर बंद नहीं हुए थे, लेकिन टूटने कम जरूर हो गए थे बालों में जब मैंने इस रेमेडी को अप्लाई किया। तो बालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स कर अच्छे से आप अपने बालों के रूट्स में लगा सकते हैं, अपने बालों में लगा सकते हैं।
अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये आपके नेल्स पर कैसे काम करता है। डार्क सर्कल और आईब्रोज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका जो ऑयल होता है, आप इसके ऑयल को अपने नेल्स पर भी मसाज कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी डेली में मसाज करती हूँ। मेरे नाखून भी पहले बहुत ज्यादा टूटते थे, लेकिन मैंने कंटिन्यू इसे इस्तेमाल किया तो नाखूनों की मजबूती भी ये बढ़ाता है, आपके नाखूनों को लंबा बनाता है, यानी कि आपकी नेल्स की ग्रोथ को अच्छा करता है, नेल्स को मजबूत करता है, नेल्स में जितने भी आपके आसपास क्यूटिकल्स होते हैं उन्हें भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो नेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, एड़ियों के लिए, एल्बोज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डार्क सर्कल्स के लिए, आईब्रोज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो स्किन और हेयर्स के लिए तो ऑफकोर्स ये है ही। तो आप इसे इस तरीके से अगर यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको फेस पैक में भी यूज कर सकते हो। कोई भी डीआईवाई फेस पैक अगर आप बनाते हैं, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। लेकिन डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिए अपने फेस पर, डायरेक्टली अगर आपने अप्लाई करना ही है तो सिर्फ डार्क सर्कल और आईब्रोज पर अप्लाई कीजिए, और पूरे फेस पर अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है आपकी स्किन को, जिससे कि फेशियल हेयर आ सकते हैं आपके फेस पर। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इसके ऑयल को अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं। आपके लिप्स पे जितनी भी पिगमेंटेशन होगी ना, या जितनी भी यहाँ पे डेड स्किन होती है, उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगा, या जो लाइंस बननी शुरू हो जाती है उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आप इसे अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं, इससे आपके होंठ फटेंगे भी नहीं और आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रखता है ये लॉन्ग टाइम तक, तो आप इसे लिप्स पर भी यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है विंटर्स में भी, तो आप इसे अपने मॉइस्चराइजर में भी मिक्स कर लगा सकते हो। जी हाँ, अब अपने कोई भी आप जो मॉइस्चराइजर यूज करते हो उसमें आप इसकी एक कैप्सूल लीजिए और उसे फॉक कर लीजिए सुई से, तो उसकी एक कैप्सूल की पूरी जो अंदर की ऑयल होती है वो निकालकर मॉइस्चराइजर में मिक्स कर अच्छे से उसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। फेस पर नहीं करना है, लेकिन हाँ, हाथों और पैरों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, और घुटनों पर भी लगा सकते हो। अगर आपकी घुटने काले हो गए हैं या कोहनियां काली हो गई हैं तो वहां पर भी लगा सकते हो, इससे वहां का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी ये साफ करता है। सो दोस्तों, ये थे मेरे आज के विटामिन ई कैप्सूल के फायदे और नुकसान। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और एंड में दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। इंस्टा पे मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि काफी मेरे सब्सक्राइबर जो है मुझसे नाराज हो गए थे, तो प्लीज नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने की, उनके रिप्लाई करने की, उनके मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और करती भी हूँ। ये मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जानते भी हैं कि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, जब भी मेरे पास वक्त होता है तो मैं जरूर करती हूँ उनका रिप्लाई, क्योंकि हर टाइम एक सिंगल मैसेज का रिप्लाई करना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी बार दिन में जब आप फ्री होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दिन में मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिजी होती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तभी मैं शूट कर पाती हूँ, इस चीज को आपको समझना होगा। और दिन में मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है दोस्तों कि मैं रिप्लाई करूं। हाँ, नाइट में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, नाइट में थोड़ा सा जो टाइम मिलता है ना मैं उसे जरूर उस टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं उनका रिप्लाई करूं। तो प्लीज नाराज मत होइएगा दोस्तों। और कुछ नहीं तो सब्सक्राइबर ने ये भी बोला था कि बहुत एटीट्यूड दिखाती है, तो गाइस इसमें एटीट्यूड वाली कोई बात नहीं है, आप ही की वजह से मैं आज यहां तक पहुंची हूं, आप ही ने मुझे कामयाब बनाया है आज इस हद तक कि मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे आज अपने कमेंट्स करते हो। तो प्लीज नाराज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेज का रिप्लाई करने की, और मैं करती भी हूँ, और आगे भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करूंगा गाइस, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं तो आप सोच सकते हो 1000 मैसेज का रिप्लाई करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके मैसेज का रिप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। और गाइज, अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी अच्छे अच्छे सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।